इसलिए अपन लोग जा रहे हैं अपनी सिस्टर को छोड़ने। क्या ही मस्त कलर दिख रहा है आपको, देखो फ्लैग का पूरा तिरंगा। उनका टिकट कंफर्म हो गया है, वीजा कंफर्म हो गया है, वीजा आ भी गया है। हाथ में है स्टेयरिंग, आगे है घर और आगे हमारी मस्जिद। तो हेलो व्हाट्सअप एवरीवन, इट्स मी लक्स राइडर बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो। तो गाइज आज का प्लान अपना बना है दिल्ली तक जाने का। तो दिल्ली अपन लोग क्यों जा रहे हैं, दिल्ली अपन लोग जा रहे हैं अपनी सिस्टर को छोड़ने। तो फाइनली उनका टिकट कंफर्म हो गया है, वीजा कंफर्म हो गया है, वीजा आ भी गया है और टिकट भी लाइक कंफर्म हो ही गया है, 27 समथिंग तारीख की हुई है। तो अभी उनको हम छोड़ने जा रहे हैं, ड्रॉप करने दिल्ली तक। तो आई गेस पहले अपन लोग दिल्ली जाके एक और काम निपटाना है। अभी तो डेट है, अभी टाइम है, मतलब आज 23 है, तो आज 23 है तो 27, 28 का आई थिंक टिकट बुक हुआ है। तो अपन लोग ट्राई करेंगे पहले दिल्ली जाके थोड़ा काम निपटा के फिर जयपुर जाने का, फिर आगरा जाने का। दिल्ली को एक जगह जाना था, आगरा में जहाँ पे वो कुछ है मकबरा वकबरा होता है, जहाँ पे घूमने जाने का जगह है, रील्स वील्स बन जाएगी उनकी। तो वो बोल रही थी वहाँ जाना है, तो देखते हैं गाइज क्या सीन होता है। तो वहाँ पे जाने का प्लान है। तो ये वाली सीरीज होने वाली है गाइज, ये ब्लॉग नहीं होने वाला, सीरीज पूरी एक एपिसोड होने वाली है, जहाँ पे अपन पूरी मस्ती करने वाले हैं रोड पे एंड अपनी एक्सयूवी जाएगी, पूरी फैमिली जाएगी एंड मस्ती तो कुछ होने वाली नहीं है, बस आपको ना अच्छे अच्छे सीन दिखाए जाएंगे और अच्छे अच्छे लाइक रोल्स दिखाए जाएंगे, जहाँ पे अच्छी अच्छी जगह होगी वहाँ दिखाई जाएगी। तो अभी फिलहाल मैं गाड़ी को अच्छी जगह पार्किंग लगाने जा रहा हूँ, यहाँ पे धूप बहुत ज़्यादा है एंड पापा ने बोला गाड़ी पार्क लगा दे, सब रेडी है, सामान सब रेडी है, सामान गाड़ी में डालना और निकलना है। तो चलते हैं गाइस, लेट्स गो। बहुत टाइम बाद हमारी गाड़ी को भूख लग गई है एंड पेट्रोल डलवा रहे हैं पेट्रोल पंप पे एंड इसको थोड़ा वॉशरूम करवा देते हैं और अपन भी हो लेते हैं। कहाँ पे है वॉशरूम यहाँ पे? A few moments later. हाँ जी सर, पासपोर्ट कलेक्ट कर लिया मैंने खुशी का। हाँ मैंने ले लिया, ठीक है सर। इनको कुछ देना वेना तो नहीं है ना? पेमेंट तो दे दिया था ना मैंने ऑनलाइन। हाँ मेरा पेमेंट।
फाइनली गाइज, बहुत देर बाद आप फाइनली दिल्ली आ चुके हैं एंड दिल्ली का आपने थोड़ा बहुत सीन देख ही लिया है। तो ये अपनी गाड़ी खड़ी है, ये कोको अपनी मेरे साथ लड़ रही है एंड गिलेरी देख रही है, इस पेड़ पे चढ़ी हुई है गिलेरी, तो उसी को देख देख के भौंक रही है। तो अभी अपन है एम्बेसी के एरिया में, ये फुल एम्बेसी वाला एरिया है, लग्जरी एरिया, जहाँ देखो वहीं पर लग्जरी गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ भाई, मर्सिडीज़, BMW, रेंज रोवर, जहाँ देखो वहीं पर भाई भरा पड़ा है बिल्कुल। तो अब अपन लोग जा रहे हैं थोड़ा कहाँ जा रहे हैं, लाजपत नगर, तो नाम मेरे को आइडिया नहीं है बट हाँ मतलब बोल रहे थे कि लाजपत नगर जा रहे हैं, तो अभी जा रहे हैं लाजपत नगर की तरफ एंड वहाँ जाके देखते हैं, शॉपिंग वॉपिंग करेंगे थोड़ा सा, और वहाँ भीड़ भाड़ वाला इलाका है तो मैं सिर्फ सिनेमैटिक लगाऊंगा, आप दिल्ली के सीन इन्जॉय करो गाइज, तो कोको को इन्जॉय करो, कोको के भी सीन इन्जॉय करो। देखो गिलेरी देख देख के ये पागल हुई जा रही है, वो गिलेरी है ना वहाँ पे, वो रही छोटी सी ये चढ़ गई पेड़ पे, तो उनको देख देख के ये भौंक रही है बार बार। और तो गाइज अब जाते हैं लाजपत नगर की तरफ, अभी यहाँ पे रुके हैं चाय पीने के लिए एंड गाड़ी को भी थोड़ा रेस्ट मिल जाएगा यार, बहुत दूर से आ रही है तो चाय भी पी लेंगे, चाय पी के फिर अपन निकलते हैं यहाँ से भी, और फैमिली पूरी गाड़ी में बैठी हुई है। तो गाइज इन्जॉय करिए सिनेमैटिक, थोड़ा सा सीन इन्जॉय करिए, अच्छे अच्छे रील लगाता हूँ मैं है ना, अच्छी अच्छी जगह का वीडियो बनाता हूँ एंड दिखाता हूँ आपको दिल्ली कैसी है। लाजपत नगर आ गए एंड अभी कोको को गोद में ले रखा है मैंने, क्योंकि यहाँ पे लाइक नॉर्मली बहुत कुत्ते मिलेंगे रास्ते में एंड वो बहुत लिपट जाते हैं, तो इसीलिए नहीं छोड़ने वाला इसको, तो ऊपर ले रखा है। इसने मेरी शर्ट भी गंदी कर दी पूरी, तो पूरी शर्ट भी गंदी हो चुकी है एंड यहीं पे कुछ है जहाँ पे बिरयानी बहुत अच्छी मिलती है, अफगान बिरयानी करके कुछ है, तो वहीं पे अपन लोग जाते हैं, अफगान कुछ होटल है तो वहीं पे अपन लोग जा रहे हैं एंड वहीं पे आज का हमारा नाइट का डिनर होने वाला है। तो फैमिली पीछे पीछे आ रही है सारी एंड मैं आगे आगे चल रहा हूँ उसको लेके, तो वहाँ जाते हैं, वहाँ जाके अच्छे से ब्लॉग करते हैं गाइस, लेट्स गो, देखते हैं क्या मिलता है क्या नहीं आज खाने को।
seas. Send out my defier, knowing we could aim higher, but we didn't know that yet. So if you want something to hold on to, gotta find it first. But here I am, 'cause I've been laying under palm trees waiting for the summer, knowing there's nowhere to go. तो अभी फाइनली गाइस अपन लोग आए हैं इंडिया गेट में, एंड आपको ना इंडिया गेट की छोटी सी क्लिप दिखाने वाला हूँ मैं। और बाकी अपन लोग दिल्ली बहुत जगह घूम चुके हैं, सुपर कार्स इतनी सारी देखी मैंने, ऑडी से लेके मर्सिडीज से लेके एंड जैगुआर तक देखी मैंने, जैगुआर पे मैंने फ़ोटो भी खिंचा रखा है। सुपर कार्स बहुत ज़्यादा है दिल्ली में, और हमारी कोको भी ये पीछे पीछे आ रही है। और अब रात का टाइम है, रात के टाइम पर इतना अच्छा फोकस नहीं आता है, और वैसे मज़ा पूरा आ रहा है। तो यहाँ पर भी कुछ देख लो सीन, एंड वो इंडिया गेट है वहाँ पे अभी लाइट बंद कर दिया है, वैसे यहाँ पे लाइट जला रखा था इंडिया गेट का, एंड बहुत ही अच्छी लाइट जलती है, लाइक तिरंगा भी जलता है, फिर अलग अलग लाइट्स जलती रहती है यहाँ पे। तो अभी टाइम ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, टाइम अभी समथिंग 11 बजने वाले हैं, तो 11 बजे ये बंद कर देते हैं इंडिया गेट का लाइट जो है। और वहाँ भीड़ बहुत ज़्यादा हो रखी थी, फोटोशूट सब हो रखा था, बट अब सब ख़त्म हो गया क्योंकि लाइट बंद कर दी है, सब अपने अपने घर वापस हो रहे हैं। एंड यहाँ पे गाड़ी पार्किंग की भी जगह नहीं है, वो लोग बोल रहे थे कि ऑलमोस्ट 1.5 साल हो गया, शायद 1-1.5 साल हो गया ये बंद है यहाँ पे, पार्किंग सब बंद कर रखा है। तो वैसे नॉइज़ बहुत ज़्यादा है यार यहाँ पे, क्योंकि ट्रैफिक पूरा चल रहा है इस रास्ते पे, एंड ये पूरा इंडिया गेट बंद है, नहीं तो अपन इंडिया गेट के नीचे ही जाके फ़ोटो खिंचा लेते। पहले खुला था, अब खुला नहीं है, अब पूरा बंद कर दिया है, नहीं तो अंदर तक जा सकते थे हम लोग, पार्किंग गाड़ी वहीं पर लगा सकते थे। रात के 12 बजे तक खुलता था, अब बोल रहे हैं कि 1-1.5 साल से ये पूरा बंद है, तो इसीलिए अब नहीं खुल पा रहा है। तो अब बाहर से हम इतनी दूर से देख रहे हैं इंडिया गेट को, ये इंडिया गेट है यहाँ पे, एंड क्या ही मस्त कलर दिख रहा है आपको, देखो फ्लैग का पूरा तिरंगा, और ये कलर चेंज कर रहा है बार बार इंडिया गेट अपना। और बहुत ही ज़्यादा भीड़ भाड़, मतलब सब फ़ोटो खिंचाने आए हैं यहाँ पर, अच्छा है। तो चेकआउट करो गाइस, मतलब क्या ही ब्यूटीफुल आ रहा है, देखो गेट अपना इंडिया का सॉलिड है यार। कल अपन लोग जा रहे हैं जयपुर, तो नाइट होल नाइट मेरे पापा ड्राइव करेंगे, अपन तो सोते हुए जाएंगे आराम से। तो मैं सुबह ही आपको जयपुर का व्यू दिखाने वाला हूँ, जयपुर में मैं ट्राई करूँगा सबसे ज़्यादा से ज़्यादा मैं अपने वहाँ का स्पेशल जो है, वहाँ पे हाथी घोड़े ऊँट बहुत नॉर्मली दिखते हैं, तो मैं सब आपको दिखाने जाऊँगा, एंड चाहूँगा कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा उन्हीं चीज़ों का एक्सप्लोर कराऊँ एंड जयपुर का एक्सप्लोर कराऊँ। तो अभी फिलहाल चलते हैं गाइस, करता हूँ वीडियो को एंड, होप करता हूँ आपको सब मज़ा आया होगा दिल्ली देखने में। तो अब जाके मैं मतलब कल दिखाता हूँ आपको जयपुर का व्यू, एंड चलते हैं गाइस, एपिसोड एंजॉय करते रहिए, करते वीडियो को एंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।